तुलना क्यों झूका झूला। दोस्तों, आपके कक्षा एक की किताब पेज नंबर 10 से ये लिया गया है। इससे हम एक स्टोरी की सहायता से क्यों झूका झूला को देखेंगे। दोस्तों, आप सभी यहाँ एक झूला देख रहे हैं जो कि अभी खाली है। अभी यहाँ एक खरगोश आकर बैठ गया और झूला जो है नीचे की ओर झुक गया। तो बच्चों, जरा आप सोचकर बताओ, झूला नीचे की ओर क्यों झुक गया? जी हाँ, झूला खरगोश की भार की वजह से नीचे की ओर झुक गया और दूसरी ओर झूला खाली है और वो हल्का है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठ गया। अब खरगोश को यहाँ झूला झूलना है, तो खरगोश अकेले तो झूला झूल नहीं सकता। तभी खरगोश की मदद करने के लिए एक तोता वहाँ पर आकर झूले में बैठता है। तो बच्चों, आपने देखा कि झूले पे तोता आके बैठ गया, लेकिन झूला बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। बच्चों, तो जरा आप सोचकर बताइए कि झूला क्यों हिलडुल नहीं रहा है? जी हाँ, झूला इसलिए नहीं हिल रहा है कि खरगोश से तोता जो कि हल्का है, क्या है? हल्का, इसलिए झूला ऊपर की ओर नहीं आया। तो हमें तोते के जगह खरगोश को किसे बैठाना होगा? तो आइए हम देखते हैं कि खरगोश अब किसके साथ झूला झूलता है। खरगोश अभी भी झूले में नीचे ही बैठा है। तभी खरगोश के साथ झूला झूलने के लिए वहां पर एक भालू आता है और जैसे ही भालू आकर झूले में बैठता है, भालू नीचे चला जाता है और खरगोश जो कि ऊपर आ जाता है। तो बच्चों, भालू यहाँ पर नीचे है और खरगोश ऊपर, क्योंकि भालू खरगोश से भारी है और खरगोश जो कि हल्का है, तो वो ऊपर आ गया। अब हमें भालू को वापस ऊपर ले जाने के लिए खरगोश की जगह किसे बैठाना होगा? जरा आप सोचकर बताइए, जो कि भालू से ज्यादा भारी हो। आपने झूले में देखा कि एक तरफ भारी जानवर था और एक तरफ हल्का, जिससे झूला ऊपर नीचे हो रहा था। अब हमें यहाँ पर देखना है, जो ज़्यादा भारी है उस पर गोल घेरा निशान लगाना है। यहाँ पर आपके सामने दो चित्र हैं, एक है जेब्रा और दूसरा है बंदर। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा भारी है? जी हाँ, जेब्रा बंदर से ज़्यादा भारी है। आगे यहाँ पर पहला चित्र है हाथी का और दूसरा है मछली का। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा भारी है? जरा सोचकर बताइए। जी हाँ, मछली और हाथी में हाथी ज़्यादा भारी है, तो इस पे हम गोल घेरा का निशान लगाएं। तीसरा चित्र यहाँ पर है, एक टोपी है और दूसरा है कढ़ाई। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा भारी है? जी हाँ, कढ़ाई ज़्यादा भारी है, तो इसमें हम एक गोल घेरा का निशान लगाएं। ऐसे ही अभ्यास आपके गणित किताब में पेज नंबर 10 में दिए हुए हैं, जिसमें आम, किताब, पत्ती, गमला, फूल, इनमें आपको छांट कर जो ज़्यादा भारी है उनमें गोल घेरे का निशान लगाना है और तुलना करना है। तो बच्चों, हम यो में नमस्कार।